एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में। पिछले सेशन में हमने देखा था कि सेल क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था दैट सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स इट इज अ बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमने इसको बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोला, तो बेटा बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए है क्योंकि हमारी जो स्ट्रक्चर है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स, चाहे एनिमल्स, चाहे प्लांट्स, किसी की भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वह सेल से ही मिलकर बनी है। हमारी बॉडी जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करती है वह भी सेल ही करती है, तो इसलिए हमने इसको बोला है बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, चलिए अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जो सेल है वह किस तरह से बनी हुई होती है। जैसे हमारी बॉडी कई तरह के ऑर्गन्स को कनेक्ट करके बनी है, ठीक वैसे ही सेल के भी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो उसमें फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है या फिर सेल वॉल क्या होती है, चलिए देखते हैं। देखिए, जो सेल है उसकी जो स्ट्रक्चर है बेटा वो बेस्ड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर। किस पर बेस्ड है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर। ठीक है, अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर फ्लूइड के जैसी है। स्ट्रक्चर इज लाइक अ फ्लूड। फ्लूड मतलब कोई भी तरल चीज़, जैसे पानी क्या है, एक फ्लूड है। ऑयल, जैसे कि हम उसको किसी भी जगह पर डालेंगे तो वो उसी की शेप ले लेगा। तो इसकी भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि इसकी फिक्स स्ट्रक्चर रहती है, इसकी जो शेप है वह चेंज होती रहती है। ठीक है, तो देखिए ये जैसे कि एक सेल है। अब इस सेल की शेप कुछ भी हो सकती है, कैसी है? फ्लूड के जैसी है। अब इसमें पाए जाते हैं ऑर्गेनेल्स जो अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। साइटोप्लाज्म अपना करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो अपना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह के इसमें कई तरह के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पर देती हूँ किस तरह के ऑर्गेनेल्स रहते हैं, बाकी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं इसको। चलिए देखिए, इसमें पाया जाता है बेटा सेंटर में न्यूक्लियस। सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है और पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस तरह की कुछ शेप रहती है माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए इस तरह से, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसमें पाया जाता है, एक मिनट, इसमें पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इसमें पाया जाता है गोल्जी बॉडी, इस तरह की शेप। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। और भी कई तरह की शेप्स इसमें पाई जाती हैं। इसमें एक फ्लूड भरा होता है जिसे कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी फ्लूड रहता है जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इसमें पाए जाते हैं लाइसोसोम, इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम। इस तरह के कई सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, तो हम एक एक करके सबकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसके जितने भी सारे ये ऑर्गेनेल्स हैं वह एक बाउंड्री के अंदर इकट्ठे हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सारे के सारे किसके अंदर हैं? इस बाउंड्री के अंदर। तो ये बाउंड्री क्या हो गई? दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर हिंदी में हम इसे बोलते हैं बेटा कोश का झिल्ली। अब झिल्ली क्यों बोला? देखो, जैसे कि आप मान लो सब्जी लेने के लिए गए। ठीक है, अब सब्जी लेने के लिए गए तो आप थैली लेके जाते हो। अब उस थैली में आप कई सारी चीज़ें डाल देते हो, बैंगन, भिंडी, लौकी, कद्दू, जितनी भी सब्जी आपको चाहिए। ठीक है, तो सारी की सारी सब्जियां किसके अंदर आई? उस थैली के अंदर। ठीक है, सब्जियों को आप मान सकते हैं ऑर्गेनेल्स और इस बाउंड्री को मान सकते हैं आप एक थैली। तो ये क्या कर रही है थैली? इन सबको इकट्ठा करके रोक रखा है इसने। ये क्या कर रही है? बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है और अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं जाने देगी।
इसका क्या काम है कि बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको रोक देना कि अरे भाई रोको, कहाँ जा रहे हो, पहले मेरी परमिशन लो कि आपको अंदर जाना भी है कि नहीं जाना है। अगर अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी नीड है अंदर, तो ही आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यह क्या करती है बेटा, सेलेक्टिव चीज़ों को, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ये इसके अंदर जाने देती है और बाकी चीज़ों को बाहर ही रोक देती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, एक झिल्ली है, इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। और भी कई सारे इसके काम होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि कोशिका झिल्ली की या फिर सेल मेम्ब्रेन की किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। चलिए, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो एक बार हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, तो देखिए, अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है बेटा कई तरह के कंपोनेंट से मिलके बनी है। इसकी जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वह कई तरह के कंपोनेंट से मिलके बनी है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो फॉस्फोलिपिड की जो क्वांटिटी है वो पाए जाते हैं 40-50%। इसकी जो स्ट्रक्चर है वह किससे मिलके बनी है, फॉस्फोलिपिड 40-50%, प्रोटीन्स लगभग 30-40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स 2-10% इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम इनके फंक्शंस देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन्स क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का कोशिका झिल्ली में या फिर सेल मेम्ब्रेन में क्या काम है। चलिए, तो फॉस्फोलिपिड भी बेटा दो तरह के पाए जाते हैं इसमें। एक होते हैं हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड और एक होते हैं हाइड्रोफोबिक फॉस्फोलिपिड। तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब होता है पानी एंड फिलिक का मतलब लव। तो जो पानी से लविंग हैं, जो वाटर लविंग हैं, दैट आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। एंड जो पानी से डरते हैं, जो पानी से डरते हैं, जिनको पानी से डर लगता है, उन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर फियरिंग फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो देखिए इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वह किस तरह की होती है। ये होता है इसका हेड, ठीक है, ये है हेड, दैट इज हेड। तो जो हेड है बेटा वो होते हैं हाइड्रोफिलिक एंड जो टेल होती है वो होते हैं हाइड्रोफोबिक। ये है टेल, ठीक है। तो हेड है हाइड्रोफिलिक, हेड कैसे होते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, एंड टेल होती है बेटा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फियरिंग, जिनको पानी से डर लगता है। ठीक है, तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक बार हम पूरा थोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद में अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं। ठीक है, अब ये बेटा दोनों मिलके बाईलेयर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं बाईलेयर बनाते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये इतने दूर दूर नहीं होते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा दूर दूर बना रही हूँ, काफ़ी पास पास रहते हैं ये। ठीक है, इस तरह से रहते हैं। तो दो तरह के फॉस्फोलिपिड्स हैं, एक है हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड एंड दूसरे होते हैं हाइड्रोफोबिक फॉस्फोलिपिड्स। अब इन फॉस्फोलिपिड्स का क्या काम है, इनका काम होता है बेटा सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को एंटर करना, सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाने देना, और जो चीज़ सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उन मॉलिक्यूल्स को बाहर ही रोक देते हैं। तो ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी शो करते हैं, इनका क्या काम है सेलेक्टिव परमेबिलिटी शो करना। सेलेक्टिव परमेबल का मतलब ये होता है कि जो जिन मॉलिक्यूल्स की सेल को ज़रूरत है उनको अंदर जाने देना है और जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको बाहर ही रोक देना है। ठीक है, अब आता है प्रोटीन की बारी। तो प्रोटीन पाया जाता है लगभग 30-40%, मैंने आपको बताया था। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो टाइप के ही होते हैं, काफ़ी तरह के प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दो के बारे में बात करेंगे। एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं बेटा वो कोशिका झिल्ली से यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर चले जाते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं। और जो पेरिफेरल रहते हैं वह उसकी सरफेस पर ही रहते हैं।
तो इंटीग्रल प्रोटीन जो रहते हैं वो कोशिका झिल्ली से होते हुए इसके अंदर चले जाते हैं, ये होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, और जो सरफेस पर ही रहते हैं, जैसे इसकी सरफेस पर ही रहते हैं, वो होते हैं पेरीफेरल, प्रोटीन, उनको कहते हैं हम पेरीफेरल प्रोटीन। और जो कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन से जो अंदर चले गए उनको कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, अब इन प्रोटीन्स का क्या काम होता है? तो बेटा ये प्रोटीन सिग्नल रिसेप्शन का काम करते हैं, सिग्नल को रिसीव करना। जैसे कोई इस तरह का सिग्नल मिल रहा है कि भाई वहाँ पे कुछ खतरा है, वहाँ पे नहीं जाना है, तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन उस सिग्नल को रिसीव करेंगे और सेल को बताएंगे कि भाई तुमको यहीं बैठे रहना है, तुम्हें नहीं जाना है, कहीं पर भी नहीं जाना है, बाहर बहुत खतरा हो रखा है। तो इस तरह से ये इसको क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। दूसरा इनका काम होता है बेटा ट्रांसपोर्ट करने का। ट्रांसपोर्ट किन चीज़ों को करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अब हमारा खाना सेल के अंदर कैसे जाएगा, तो उसके लिए कुछ तो हमें चाहिए, तभी तो जाएगा वो सेल के अंदर, कुछ तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं। तीसरा इनका काम होता है बेटा सेल टू सेल कम्युनिकेट करना। अगर किसी सेल को दूसरी सेल से कुछ बात करनी है कि भाई तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की कमी हो गई है, तो क्या करते हैं, ये सेल टू सेल कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में भी प्रोटीन हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स का क्या काम होता है। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन या फिर फॉस्फोलिपिड्स के साथ में एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, सॉरी, ये मान लेते हैं इनके साथ में, प्रोटीन के साथ या फिर फॉस्फोलिपिड्स के साथ में क्या रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है बेटा सेल को रिकॉग्नाइज करना, सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए, सेल टू सेल कम्युनिकेट करने के लिए। इन सब में कौन मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है सेल की, इस तरह से बनी होती है हेड एंड टेल से मिलके। हेड होते हैं हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड्स एंड टेल होते हैं हाइड्रोफोबिक फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के साथ में ही रहते हैं बेटा प्रोटीन्स, जो फॉस्फोलिपिड्स से एम्बेडेड रहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चले जाते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पर ही रहते हैं। प्रोटीन का काम है सिग्नल रिसीव करना, ट्रांसपोर्ट करना, सेल टू सेल कम्युनिकेट करना। एंड कार्बोहाइड्रेट का काम होता है सेल को रिकॉग्नाइज करना, सेल टू सेल कम्युनिकेट करना भी इसका काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कुछ स्ट्रक्चर रहती है। अब आप बोलोगे कि क्या मैम इसकी जो स्ट्रक्चर है वह इतनी मोटी होती है? नहीं, इतनी मोटी नहीं होती है, बहुत ही थिन लेयर होती है, एकदम थिन एंड फ्लेक्सिबल लेयर होती है। इसीलिए तो यह बेस्ड किस पर है बेटा, बताइए किस पर बेस्ड है? दैट इज़ बेस्ड ऑन फ्लूड मोज़ेक मॉडल। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, फ्लूड के जैसी है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल रहती है। और इसको फ्लेक्सिबल बनाता कौन है, ये जो लिपिड्स हैं। लिपिड क्या होते हैं, एक ग्रीसी फैटी सबस्टेंसेस को ही तो हम लिपिड कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दैट फॉर्म अ बाइलेयर। क्या बनाया इन्होंने, एक बाई लेयर बनाई, एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे। इट इज़ अ थिन फ्लेक्सिबल लेयर दैट सराउंड्स द सेल। ये कैसी है, एक थिन एंड फ्लेक्सिबल लेयर है जो सेल के चारों तरफ रहती है एंड सेपरेट द इनसाइड फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। लिपिड पाए जाते हैं अप्रॉक्स 40-50%, प्रोटीन्स रहते हैं 30-40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स 2-10%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ी सी और नॉलेज सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन सॉफ्ट लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर्स ऑर्गन्स एंड कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग। आउटर कवरिंग ऑफ अ एक आउटर कवरिंग है। जैसा मैंने आपको सब्जी वाला एग्जांपल दिया था कि हम कहीं सब्जी लेने जाते हैं तो हमको एक थैली चाहिए होती है सारी चीज़ों को रखने के लिए, ठीक वैसे ही जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनके लिए भी क्या चाहिए, एक आउटर कवरिंग चाहिए जिससे कि वो सारी चीज़ें उसके अंदर रह सकें। मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब इस
आपको एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेनर होता है, छलनी, अब उसमें से हमें अगर गंदा पानी, जैसे मिट्टी और पानी का एक मिक्सचर है, उसको आपको उसमें से स्ट्रेन करना है, छानना है, तो आप क्या चाहते हो कि पानी अलग हो जाए और मिट्टी अलग हो जाए, ठीक है। तो आप उसको छलनी में से छानोगे तो पानी निकलता है उसमें से, लेकिन जो मिट्टी है वह ऊपर ही रह जाती है, लेकिन कुछ मिट्टी उसमें भी चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये वाली जो छलनी है, एक तरह से हम मेहमान को छलनी मानो, एक तरह से ये स्ट्रेनर है, लेकिन ये एक स्मार्ट स्ट्रेनर है। ये क्या करता है, ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अंदर जाने देता है जिनकी अंदर रिक्वायरमेंट है, जिनकी नीड है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जिन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ये अंदर नहीं जाने देता है। बैरियर दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल, द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। तो इसके क्या काम हैं, इसके काम है सिग्नल रिसेप्शन एंड प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल का। ये सारे काम कौन करता है, ये सब करता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटी। चलो अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कई तरह के कंपोनेंट्स से ये मिलके बनी होती है, कई तरह के प्रोटीन्स रहते हैं, कई तरह के फॉस्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह की चीज़ें इसमें पाई जाती है और इनसे मिलके ये बनी होती है। अब आप किसकी स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो कि इसकी बाइलेयर है, कैसे है, देखो ऊपर हेड्स हैं और नीचे इस तरह के टेल्स बने हुए हैं, ठीक है। ऊपर क्या है, हेड्स, और नीचे हैं इसके इस तरह के टेल्स, ठीक नीचे से भी ऊपर की तरफ इस तरह से हेड एंड टेल्स बने हुए हैं। तो ये क्या बन गई, एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे, ठीक है। तो इस तरह से ये बाइलेयर होती है। चलिए अब हम इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करती है। तो हम कर चुके हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, लेकिन एक बार हम थ्योरेटिकल इसको पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके लिए एक कवर का काम करती है। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर प्रिवेंटिंग हार्मफुल सबस्टेंसेज फ्रॉम एंटरिंग द सेल, जिससे कि कोई हार्मफुल सबस्टेंस सेल पाए उससे प्रोटेक्ट करती है। इट सेलेक्टिवली अलाउ एंट्री ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस, जिन चीज़ों की जरूरत होती है, जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है सेल को, उन्हीं को अलाउ करती है अंदर जाने के लिए, उन्हीं की एंट्री अलाउ करती है, बाकी किसी को भी अंदर नहीं जाने देगी। नेक्स्ट इज सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है, जैसा हमने प्रोटीन के लिए और कार्बोहाइड्रेट में देखा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स बाय ट्रांसमिटिंग केमिकल सिग्नल्स रिसेप्टर्स एंड चैनल्स, इट ऑल्सो हेल्प इन बॉन्डिंग बिटवीन सेल्स थ्रू सेल एडेसन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स या फैट या विटामिन, किसी का भी अगर बाहर से अंदर जाना है तो किससे होगा, सेल से होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। द सेल मेम्ब्रेन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, इट मेंटेन्स अ बैलेंस ऑफ आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द सेल एंड रेगुलेट्स वेस्ट एलिमिनेशन। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लिखिए तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही जगह इनको बताया है, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया था कि किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इट इज सेलेक्टिवली अलाउज एंट्री ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस। चलिए अब हम आगे देखते हैं सेल वॉल, चलो सेल वॉल। तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो बेटा जो सेल मेम्ब्रेन है वो है एनिमल्स में एंड ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, एनिमल्स प्लस ह्यूमन बीइंग्स में क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम सब्जी लेने जाते हैं और वहाँ पे हमने उसमें सब्जी डाल दी एक थैली के अंदर, अब अगर हमको उसमें ज़्यादा सब्जी भरनी है, उस थैली में अगर हमें ज़्यादा सब्जियाँ भरनी हैं तो हमें उसमें एक और आउटर कवरिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा वजन हो जाएगा तो क्या होगा, थैली फट जाएगी, इसलिए हमें एक और एक्स्ट्रा लेयर उस पर लगानी पड़ेगी। तो उस एक्स्ट्रा लेयर को ही हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि पाई जाती है बेटा प्लांट्स में।
अब प्लांट्स में सेल वॉल क्यों पाई जाती है? तो प्लांट्स में इसलिए पाई जाती है क्योंकि प्लांट्स में ज़्यादातर जो अमाउंट में रहता है वो पानी रहता है, और पानी को होल्ड करने के लिए उसको, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो आउटिंग कवरिंग है उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, सेल का जो आउटर कवर है उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी तो वो उस पानी को होल्ड कर पाएगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पानी नीचे निकल जाएगा, इसका मतलब वो जो सेल है वह डेड हो जाएगी, तो हमारा जो पेड़ है वह सूख जाएगा, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लांट्स में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। इस तरह की एक आउटर कवरिंग इसके ऊपर लगी होती है, ठीक है, ये इस तरह की आउटर कवरिंग है। बाकी सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वह सब पाए जाते हैं, लेकिन ऊपर इसके एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, यानी कि सेल की दीवार। जो सेल है उसके अंदर हमने एक स्ट्रॉन्ग दीवार लगा दी जिससे वह उस पानी को और जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से होल्ड कर सके, ठीक है। ये सेल वॉल बेटा बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो जैसे पेड़ की जो छाल होती है उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है। जैसे हमारे कपड़े बनते हैं इसमें क्या है? कॉटन। कॉटन में क्या होता है? सेलुलोज होता है। जो पैसे बनते हैं उसमें भी सेलुलोज होता है, पेपर बनता है उसमें भी सेलुलोज होता है, ठीक है। तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेल वॉल होती है। किसमें पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन, वेयर एज द सेल वॉल ऑफ फंगल सेल्स इज मेड अप ऑफ चिटिन। जो फंगल सेल्स होती हैं वह चिटिन की बनी होती हैं। दीज कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये कंपोनेंट क्या करते हैं बेटा? इसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोटेक्शन, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। जो सेलुलोज है वह एक स्ट्रॉन्ग सबस्टेंस है। कैसा है? एक स्ट्रॉन्ग सबस्टेंस है जो इसको इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। चलिए अब इसके फंक्शंस देखते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन लगभग सेम है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह फ्लेक्सिबल होती है, उसकी जो लेयर है वो काफ़ी पतली रहती है, लेकिन जो सेल वॉल है बेटा वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, वो मजबूत रहती है क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से होल्ड करके रखना होता है। चलो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, सबसे पहला तो फंक्शन यही है कि उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, उसको स्ट्रेंथ देती है। द सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कोलैप्सिंग अंडर इट ओन वेट एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। अपने ही वेट से वह कोलैप्स ना हो जाए इसलिए उसको स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? जो उसके ऊपर आउटर कवरिंग जो सेलुलोज की लगी हुई है वह उसको सपोर्ट देता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन, द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज सच एज फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर और फोर्स दैट मे कॉज डिफॉर्मेशन। मैकेनिकल प्रोटेक्शन। शेप मेंटेनेंस, द सेल वॉल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल, सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट इट फ्रॉम डिफॉर्मिंग एंड चेंजिंग शेप टू ईजिली। जल्दी से वह अपनी शेप चेंज ना करे इसलिए उसको स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि जो ह्यूमन सेल होती है, जो ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स की जो सेल होती है वह अपनी शेप चेंज कर सकती है, लेकिन जो प्लांट्स की जो सेल होती है वह आसानी से अपनी शेप को चेंज ना करे, तभी तो हमने उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग लगाई है, ठीक है। चलो आगे कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या कंक्लूजन निकल के आता है इस वीडियो का। द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल वर्क टुगेदर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सेल के फंक्शंस, सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों एक साथ वर्क करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है बेटा? मटेरियल के मूवमेंट को करती है, यानी कि कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है, एंड आउट ऑफ द सेल, वाइल द सेल वॉल प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल वॉल क्या कर रही है? उस सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, उस सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वह बाहर के और अंदर के जो इन्वायरमेंट है उसको सेपरेट रखती है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है एंड सेल वॉल किसे कहते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है,
उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, उन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियोज़ को पूरा देखा करें जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट, सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएँ।